हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपको सिखा रही हूँ एलसीएम फाइंड आउट करना बाय डिवन मैथ है 25 एंड 40 का। तो क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 25 कोमा 40, ठीक है। और अब क्या करेंगे, इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। तो जब भी प्राइम फैक्टर स्टार्ट करते हैं फाइंड आउट करना, हम लोग लीस्ट नंबर से स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं हम यहाँ पे 2 ले सकते हैं कि नहीं। तो ये जो दो नंबर हैं, अगर तो इन दोनों में से एक नंबर भी 2 से डिवाइड होता है तो हम यहाँ पे 2 ले लेंगे, ठीक है। तो ये नंबर तो 2 से डिवाइड नहीं होता, लेकिन ये नंबर 2 से डिवाइड होता है। मुझे कैसे पता, क्योंकि देखें ये रूल होता है चेक करने के लिए, ठीक है। कोई नंबर 2 से डिवाइड होता है कि नहीं होता, तो ये रूल होता है किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट अगर 0 है या 2 है या 4 है या 6 है या 8 है, ठीक है। किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट अगर इनमें से है ना, इसका क्या मतलब है कि वो नंबर 2 से डिवाइड होता है, ठीक है। तो देखें अगर हम लोगों ने 25 को देखना है, ठीक है, तो इसका लास्ट डिजिट चेक करें, 25 का 5 है, इनमें से नहीं है, तो ये नंबर 2 से डिवाइड नहीं होता, ठीक है। 40 का जो है लास्ट डिजिट 0 है, इनमें से है ना, तो ये नंबर 2 से डिवाइड होता है। तो मैंने आपसे क्या कहा था, अगर एक नंबर भी 2 से डिवाइड हो रहा है तो हमने यहाँ पे 2 ले लेना है। अब ये नंबर 2 से डिवाइड नहीं होता, लेकिन ये तो होता है ना, तो हमने यहाँ पे 2 ले लेना है। अब 2 के टेबल में 25 नहीं आता, तो इसको क्या करेंगे, इसको वैसे ही लिख लेंगे। 2 के टेबल में 4 आता है, 2 जार, और ये 0 का 0 आ गया। अगेन हम यहाँ पे 2 ले सकते हैं, तो ये तो पहले ही नहीं 2 से डिवाइड हो रहा था, ये अब हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये हो रहा है, क्योंकि 20 हमें पता है 2 के टेबल में भी आता है, और रूल के अकॉर्डिंग भी चेक करें तो 20 का लास्ट डिजिट जो है 0 है, इनमें से है, तो हम अगेन यहाँ पे 2 ले लेंगे, ठीक है। 25 को फिर से वैसे ही लिख लेंगे, ठीक है, और 2 के टेबल में 2 आता है, 1 जार, और 0 का 0। जब तक हमारे पास एक नंबर भी 2 से डिवाइड हो जाना, हमने यहाँ पे 2 लेते जाना है, ठीक है। जैसे हमारे पास दोबारा जो अब 10 आया है, ठीक है, वो हम यहाँ पे अगेन उसकी वजह से 2 ले सकते हैं, क्योंकि वो 2 से डिवाइड होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे अगेन 2 ले लेंगे, 25 फिर से वैसे ही आ जाएगा। 2 के टेबल में 10 आता है, 5 जार। अब देखिए, अब अगेन हम यहाँ पे 2 ले सकते हैं तो नहीं ले सकते, क्यों, 25 तो पहले ही 2 से डिवाइड नहीं हो रहा था, अब जो नंबर ये आया है वो भी 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, ठीक है। ये 5 आया है ना, तो ये भी 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो हम अब यहाँ पे 2 नहीं ले सकते, ठीक है। हम यहाँ पे 2 तो नहीं ले सकते, 3 ले सकते हैं, तो 3 भी हम यहाँ पे नहीं ले सकते, क्योंकि 3 के टेबल में 5 तो नहीं आता, 3 के टेबल में 25 भी नहीं आता, ठीक है। 24 आता है, लेकिन 25 नहीं आता, ठीक है। तो हम यहाँ पे 3 भी नहीं ले सकते, तो 5 ले सकते हैं, तो यस 5 ले सकते हैं। 5 के टेबल में 25 भी आता है, 5 भी आता है, तो हम यहाँ पे 5 ले लेंगे, ठीक है। 5 के टेबल में 25 आता है, 5 जार, 5 के टेबल में 5 आता है, 1 जार। हम अगेन यहाँ पे क्या करेंगे, 5 ही लेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 5 है, 5 प्राइम नंबर है, ये अपने टेबल में ही आता है, इसलिए 5 1 जार 5 और 1 का 1। अब हम क्या फाइंड आउट करें, एलसीएम फाइंड आउट कर रहे हैं ना, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एलसीएम ऑफ किस किस का फाइंड आउट कर रहे हैं, 25 एंड 40 का, वो यहाँ पे लिखेंगे। अब इसके जो फैक्टर्स हैं वो यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे नहीं जगह तो यहाँ पे मैं ऊपर लिख रही हूँ, ठीक है। तो आपने क्या कर लेना है, ये जो सारे फैक्टर्स हैं वो यहाँ पे लिख लेने हैं, ठीक है, और सबको अब मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है। अच्छा जी, अब सबको मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 2 जार 4 4 2 जार 8, ठीक है, 8 5 जार 40 45 जार, क्या होता है हमारे पास, 5 0 जार 0, 5 4 जार 20, तो क्या आ गया, 200। ठीक है, तो हमारे पास सबको मल्टीप्लाई करने से 200 आ गया। हम क्या कहेंगे, एलसीएम क्या आया 25 और 40 का, 200 आ गया, ठीक है। तो ये था हमारे पास एलसीएम फाइंड आउट करने का मेथड, डिवीजन मेथड है ये, ठीक है। बात करें एलसीएम फाइंड आउट करने का जो मेथड होता है प्राइम फैक्टराइजेशन, उसकी तो मैं आपको ओवरव्यू दे देती हूँ। देखें, ये है एलसीएम फाइंड आउट करने का जो सेकंड मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसमें हम लोग क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें 8 और 12 की, तो इसमें भी क्या करना है, करने तो प्राइम फैक्टर्स ही फाइंड आउट हैं, लेकिन हम लोगों ने अलग अलग नंबर के करने, इसमें क्या किया था, दोनों नंबर्स को इस तरह लिखा था, सॉल्व करते गए, तो प्राइम फैक्टर्स इसके दोनों के इकट्ठे फाइंड आउट करते गए थे, ठीक है। इसमें हमने क्या करना है, पहले 8 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेने हैं, देन 12 के कर लेने हैं, ठीक है। फिर जो फैक्टर्स आ रहे हैं उसको इस तरह लिख देना है, फिर जो कॉमन आ रहा है उसको एक दफ़ा लिखना है, ये भी कॉमन आ रहा है उसको भी एक दफ़ा लिखें, फिर जो नॉन कॉमन है उनको भी लिखना है, लिखने के बाद मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा,
ठीक है। तो ये होता है एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। एक और बात, अगर आप एलसीएम फाइंड आउट करें 25 और 40 का बाय डिवीजन मेथड नहीं बल्कि बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, इस मेथड से करेंगे 25 और 40 का तो भी आंसर 200 ही आएगा। ठीक है, आप करके देख लें, पहले आप 25 के फैक्टर्स निकालें प्राइम फैक्टर्स, देन 40 के निकालें, फिर जो कॉमन आ रहा है उनको लिखें, फिर जो नॉन कॉमन है उनको भी लिखने, लिखने के बाद मल्टीप्लाई करके आंसर चेक करें तो 200 ही आएगा। ठीक है, अगर आपके पास वैल्यू सेम है, क्वेश्चन सेम है ना, फिर आप एलसीएम का कोई भी मेथड फॉलो कर लें, एलसीएम बाई डिवीजन मेथड कर लें, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कर लें, या बाय कॉमन मल्टीपल मेथड कर लें, आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, एक और बात, एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में तो हम लोग ये करते हैं ना कि देखिए ये कॉमन आ रहा है, ये कॉमन आ रहा है, उसको एक एक दफ़ा लिख लेना है। ठीक है, उसके बाद जो नॉन कॉमन है उनको भी लिखना है। ठीक है, एसी बाय प्राइम फैक्टराइजेशन की बात करें, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होता है एसीएफ, ठीक है, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड सेम, उसमें भी हम प्राइम फैक्टर्स ही फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, जैसे इसमें किए हैं, उसको सेम इस तरह ही लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे डिफरेंस आ जाता है कि उसमें हम लोग क्या करते हैं कि सिर्फ जो कॉमन है ना उनको लिखना है, जो नॉन कॉमन है ना उनको नहीं लिखते एसी बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में। ठीक है, तो एलसीएम में हम ये करते हैं कि जो कॉमन है नॉन कॉमन दोनों को लिखना है, लेकिन एसीएफ में सिर्फ जो कॉमन है उनको लिख के मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, मैंने आपको एसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का भी बता दिया। ठीक है, होप्स आपको इन सब में डिफरेंस पता चल गया होगा। आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। ठीक है, थैंक यू।